हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे? तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर। उसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट जो डिस्कवरी पढ़ रहे हैं हम, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी थी वो हमारे एज इट इज, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की डिस्कवर हो चुके थे, हम उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, तो इसी तरीके से उन्होंने क्या लिया, जिन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम था जेम्स चैडविक। ये डिस्कवर किया था 1932। तो इन्होंने क्या लिया था, एक बेरिलियम सीट ली थी और उस बेरिलियम सीट को इसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स दिए थे और अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया था, बम्बार्टमेंट किया था। जैसे बम्बार्टमेंट किया था वहां से क्या रिलीज हुए, उस पार्टिकल्स को चेकआउट किया गया। जब चेकआउट किया गया तो उसमें पता चला उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, नो चार्ज। एंड सेकेंड वन जो चीज पता चली उसमें ये पता चला कि उसका मास प्रोटॉन से ज्यादा है, मास मोर देन प्रोटॉन। तो इससे हमें दो चीजें पता चली थी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका मास क्या है, प्रोटॉन से ज्यादा है। जब उसके पास चार्ज नहीं है तो चार्ज की, नो चार्ज की वजह से उसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से एक बेरिलियम का सीट थी, उसको अल्फा पार्टिकल्स दिए, उसकी वजह से बम्बार्टमेंट हुआ। बम्बार्टमेंट से क्या हुआ, उसमें पार्टिकल्स एमिट हुए। उस पार्टिकल्स के एमिट होने से उसमें क्या, उस पार्टिकल का क्या हुआ, कोई चार्ज नहीं था उसके पास और उसका जो मास था वो प्रोटॉन से ज्यादा था, तो उसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया था। और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही हम एटम को क्या कहा जाता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स कि एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि एटम पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इससे हमारे पास मान लीजिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मान लो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और 10 ही प्रोटॉन्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली की बात करें तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट, इसके बाद जो बात की गई थी वो बात की गई थी कि हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स थे, उन मॉडल्स का क्या हुआ कि उनसे कंक्लूजन निकाल लेते। कंक्लूजन किस क्रम में, कि वहां पर कोई कुछ पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, कि एटम्स की थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरीज की जब हम बात करें, एटॉमिक थ्योरीज में क्या था, उनके पास कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था कि एटम और केटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एटम और केटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनका कोई कंक्लूजन नहीं था उनके पास, ना ही कोई इनका थ्योरी थी, या फिर इनका सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी नहीं थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी का भी उन्हें नहीं पता था। तो इसी के रिलेट में दो मैं थ्योरीज बता रहा हूं आपको, क्या क्या है वो, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी
थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, ये थ्योरी आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हुए थ्योरी, शायद आपको याद होगी कि वहां पे हमने इस थ्योरी को जो कंपेयर किया था वो क्या था, हमने वाटरमेलन से, वाटरमेलन तरबूज। तो एक्चुअली इस थ्योरी में था क्या कि एक हमारे पास ये एटम है, ये क्या है, एक एटम है, इसमें मास फिल्ड है इस तरीके से, तो इसने इस जो स्ट्रक्चर था इसको कंपेयर किया था वाटरमेलन से, दूसरा प्लम पडिंग मॉडल, रेजिन में रेजिन मॉडल, ये इसका नाम दिए गए थे। वाटरमेलन यानी ये किसकी तरह दिखता है, वाटरमेलन की तरबूज की तरह दिखता है, प्लम पड़ी की बेर की तरह दिखता है या खजूर की तरह, और ये रेजिन का मतलब होता है आप किशमिश देखा होगा तो उसमें अंदर की साइड एक बीज होता है तो उसकी तरह भी इसको क्या कहा जाता है, रेजिन मेथड। तो इनमें रेजिन मॉडल, तो इसमें है क्या एक्चुअली, इन तीनों से कंपेयर क्यों किया गया था, जैसे हम फर्स्ट समझे वाटरमेलन, तो वाटरमेलन आपने देखा होगा कि वाटरमेलन में क्या प्रेजेंट होता है, जो अंदर मास प्रेजेंट होता है और उसमें छोटे छोटे से बीज प्रेजेंट होते हैं, जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, ये एक तरीके से सीड्स हैं, इन सीड्स को उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, इन सीड्स को क्या नाम दिया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स, और जो मास प्रेजेंट है उसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन्स, जो कहते हैं ना आपको रेड पार्ट होता है, गुदा होता है, उसको क्या पार्ट, क्या नाम दिया गया था, प्रोटॉन्स। तो उन्होंने, ये थॉमसन था, साइंटिस्ट का नाम था थॉमसन, इन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है उस एटम, उसका सर्कुलर शेप होता है, उसमें क्या प्रेजेंट है, सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और मास की तरह क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स है, और वो पूरे में फैला हुआ है मास, ऐसा नहीं कि उन्होंने पर्टिकुलर शो कर दिया हो कि सेंटर में मास प्रेजेंट होता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूरे में मास फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे में फैले हुए हैं। तो उनका जो कंक्लूजन था कि ये इस तरीके से हमारा एक मॉडल था एटम का, इस तरीके से वो दिखता है, इसी तरीके से प्लम पडिंग जैसे आप देखो बेर या फिर खजूर उसकी तरफ आप देखो तो उसमें अंदर बीज होते हैं, तो उसको भी इसकी तरह कंपेयर किया गया था, और सैम रेजिन, रेजिन आपने देखोगे उसको भी आपने क्या है इसी तरह उसको कंपेयर किया था, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था आपका थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, या थॉमसन मॉडल, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत फेमस है और ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो मॉडल था कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे कुछ एक सोर्स था अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल सोर्स है, अल्फा पार्टिकल सोर्स, यहाँ पे एक स्लिट लगी हुई थी, स्लिट होती है, स्लिट लगी हुई थी, इसके थ्रू क्या होता है अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे, और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल था, गोल्ड फॉइल था, इसके चारों साफ इस तरीके से एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई थी, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से ये मूवेबल माइक्रोस्कोप है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हुआ क्या था, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स था, अल्फा पार्टिकल सोर्स को जैसे ही इन्होंने बम्बार्डमेंट किया, क्या किया इनका,
बम्बार्डमेंट किया तो यहाँ से पार्टिकल्स रिलीज हुए, रिलीज हुए तो यहाँ से पार्टिकल रिलीज हुए तो ये यहाँ पे गोल्ड फॉइल है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के पास पहुंचेंगे ये इस गोल्ड फॉइल को क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे। और बम्बार्डमेंट करने से क्या होगा कि ये पार्टिकल्स रिलीज होंगे इस तरीके से। और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट है जिसमें फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंस स्क्रीन मतलब जैसे ये पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्क्रीन से जैसे ही टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, कलर। और ये जो माइक्रोस्कोप है इसके थ्रू हम उसको क्या करते रहेंगे, विजिबल देखते रहेंगे, इजीली विजिट करते रहेंगे, हम अपनी विजन के थ्रू उसको देखते रहेंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या था इस गोल्ड फॉइल का, इस गोल्ड फॉइल में अगर मैं इसको लार्ज स्केल पे बना के दिखाऊं आपको तो क्या था, इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से थे। अब मैं सिर्फ इसी का डायग्राम बना रहा हूं आपको, तो मान लो जो गोल्ड फॉइल था इतना सा, इसको मैं लार्ज करके दिखाऊं तो इसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे किस इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे कुछ इस तरीके से आ रहे थे। तो ये मान लो ये आपका गोल्ड फॉइल इतना बड़ा, इसको मैं छोटे से बिल्कुल छोटे से पीस था इसका 10^-10 mm, इतना छोटा फॉइल था, इतनी छोटी रेडियस ली थी। उसमें क्या देखा, तो उसमें पार्टिकल्स आपने जैसे थॉमसन मॉडल में क्या बताया, एक सीड को उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया, तो इसी तरीके से उसने कहा कि पार्टिकल्स प्रेजेंट है ऑलरेडी इसमें, जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चीज। तो क्या है इसमें कि हमारे पास यहाँ से पार्टिकल्स पास हो रहे हैं, तो पास हो रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉल एंगल के थ्रू। इनकी तीन ऑब्जर्वेशन थी और इन तीनों ऑब्जर्वेशन से तीन ही कंक्लूजन थे, तीन ऑब्जर्वेशन क्या थी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन, कि सारे आदेश बहुत ज्यादा मोस्टली जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल गोल्ड फॉइल में से सीधे चले गए। कुछ क्या थे, स्मॉल एंगल की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ वन में से आउट ऑफ 20,000 में से सिर्फ एक ऐसा था जो जा रहा था और वापस 180 डिग्री के वापस बाउंस बैक हो रहा था। तो ये तो थी इसकी तीन ऑब्जर्वेशन। अब तीनों ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन क्या था कि यहाँ पे जो पार्टिकल हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे थे, उसका कंक्लूजन ये था कि एटम में स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं होके वो सीधे चले गए। सेकेंड, जब डिफ्लेक्ट हो रहे तो उसमें ये कहा गया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इसमें रिपल्सन की वजह से वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं थोड़ा सा। तो जैसे उसके बिल्कुल कॉर्नर पे टच हो रहा है तो हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा, अगर वो बिल्कुल सेंटर में जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है सब पे इस तरीके से, तो जैसे ही वो बिल्कुल सेंटर में जाके डिफ्लेक्ट इसके साथ टकराएगा तो यहाँ पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से ये क्या होता है, 180 डिग्री के साथ बाउंस ब्रेक होता है। तो उसका कंक्लूजन क्या था कि इसका मतलब सेंटर में कोई चीज प्रेजेंट है जिसपे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस सेंटर को उसने नाम दे दिया था न्यूक्लियस,
खाली जगह हमारे पास प्रेजेंट होती है और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये सारे उसके क्या थे, कंक्लूजन थे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये दोनों मॉडल थे और हमने न्यूक्लियस के बारे में देखा उसके बारे में किस तरीके से न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था। तो आज के लेक्चर में आपका यही, आई होप यू ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।